नमस्कार, मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। शुक्रवार को दिल्ली की जनपद में दिल्ली छात्र लोक जनशक्ति प्रदेश अध्यक्ष राजन सिंह के नेतृत्व में दिल्ली छात्र लोक जनशक्ति द्वारा संघर्ष यात्रा 2019 हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने हस्ताक्षर करके की। बता दें कि यह अभियान 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू किया गया है, जिसमें दिल्ली छात्र लोक जनशक्ति लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस मौके पर वहां भारी संख्या में लोक जनशक्ति के छात्र समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्योंकि अतिथि आते हैं तो बिना उनका स्वागत हुए जाया नहीं जा सकता। सुनील तंवर जी कह रहे थे कि हम गुलदस्ता मंगाए थे, मैंने कहा नहीं, अभी हमें करना क्या है मजबूत, क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ने वाली है बिहार में। आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग पार्टी का खाता संख्या ले और उसमें चाहे 10 रुपए डाले, लेकिन पार्टी के खाते संख्या में जरूर डाले। और हम लोग जब अगली बार ये कार्यक्रम करेंगे तो सर हम लोग आपको ये जरूर बताएंगे कि छात्र लोक जनशक्ति के उसमें हम लोग पार्टी का पूरा योगदान देंगे, 1 रुपया, 1 वोट और 1 वोट वाला। तो निवेदन करता हूँ सुनील जी से, आप एक काम करो जी। आज तो हम ले लेते हैं जी, लेकिन आज के बाद जो है ये माला का सिस्टम जो है छात्र लोजपा में बंद नहीं सर, बिल्कुल मतलब छात्र सपोज कर लेते हैं कि माला देते हो, माला कितना लगता होगा, 200-300 रुपया लग जाता होगा, 200-300 रुपया मिला तुम्हारा 5 वो पेन हो जाएगा। सर माला नहीं, हम सब फूल रखे हैं, इसलिए हम वो माला जो उधर फूल हो सर वो उनका वो अलग है सर। मैं निवेदन करूंगा मंजू शुक्ला जी आ जाइए और सर का स्वागत कीजिए। तो हम लोगों ने पार्टी का शुरुआत किया था, जो हमारा पावर टू द पुअर है, जो गरीब का राज है, नौजवानों का है, सोशल सामाजिक न्याय का मुद्दा है, सेकुलरिज्म का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर के चले थे और हम लोग अपने ऊपर में डटे हुए हैं। और अभी हमको इस बात की खुशी है कि 6-6 हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, हमारी सरकार जो क्या कहते हैं कि यह मणिपुर में हमारे मंत्री हैं अशोक शाम ये श्याम चंद, और बिहार में जो कहते हैं कि पशुपति कुमार भारत जो पार्टी के अध्यक्ष हैं मंत्री हैं, तो पार्टी जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सर देखिए, संघर्ष यात्रा ये उस व्यक्ति की है जो ना सिर्फ एक छात्र नायक बल्कि आज भारतीय राजनीति में जिन्होंने कई दशकों तक देश के संसद में उन गरीबों पिछड़ों दलितों की आवाज़ को उठाने का काम किया है जो आज मरहूम थे, हम उनकी संघर्ष यात्रा निकालने ये लोक जनशक्ति पार्टी माननीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चलेगा और हर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज तक जाएगा और वहाँ पर ये संघर्ष यात्रा हस्ताक्षर अभियान ने देखा ही आपने जैसे आज मंत्री जी ने शुरुआत कर दी है, तो इस पर हम लोग आगे काम करेंगे और हर कॉलेज के छात्र तक माननीय चिराग भाई का संदेश लेकर जाएंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर छात्र संघ की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए वैसे तो हम लोग पार्टी का सबसे छोटा विंग है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमारी पूरी छात्रों की टीम बिहार जीतो में लग चुकी है और आज से कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, सीधा हमारा जो सम्मानजनक हमें सीटें मिली हैं भाजपा की तरफ से, हम उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का आदर करते हैं और हम लोग पूरी तरीके से तैयार। देश में एक नई क्रांति और शांति होनी चाहिए, उसके लिए मैं एक संदेश यात्रा जो आज निकाली है रामविलास पासवान जी ने, वो संदेश यात्रा पूरे देश में जाएगी, नई क्रांति
और देश में शांति के लिए जो चलाई गई है वो देश में परिवर्तन लाएगी। पासवान जिसे मिले हैं उसका हुआ भला है, पासवान जिसे मिले हैं उसका हुआ भला है, और जो दूर इनसे पहुँचा वो हाथ ही मला है। पासवान जिसे मिले हैं। दिल्ली प्रदेश को लेके हम लोग आश्वस्त हैं राजन भैया के साथ। लगभग हमारी लगभग 2 लाख छात्राओं की टीम जो सुबह शाम एक करके इनको पूरा बढ़ाते हैं, और समस्त शक्तियों के साथ हम अपने राजन भैया को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। हमारा पूरा योगदान मोदी सरकार और पासवान जी के साथ है, ठीक है ना। धन्यवाद। अभी जैसे कि देखा जा रहा है एनडीए में दरार आने शुरू हो गई। कोई दरार नहीं है एनडीए में, हम सब एक हैं, अलग होने चाहते हैं। नहीं नहीं, घर में है तो थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती, बट सारे हम लोग एक ही हैं। हमारा पूरा योगदान लोगों के साथ में है, कोई दरार नहीं है। तो बिहार में आप लोग कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? पूरी सीटें हमारी आएंगी, हमारे ग्रुप का आएगा, हमारे समर्थन का आएगा, हमारे संगठन का आएगा। इसलिए हम लोग संगठित होके पूरा, हमारा जो छात्र संघ है, छात्र यूथ संगठन है, पूरा लगा हुआ है। और एक बार हम फिर राजन भाई को आगे ले जा रहे हैं, ठीक है ना। धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि आपने देखा और सुना, छात्र लोक जनशक्ति प्रदेश अध्यक्ष राजन सिंह का यही कहना है कि यह अभियान चिराग पासवान के नेतृत्व में दिल्ली के सभी यूनिवर्सिटी में चलाया जाएगा और लोक जनशक्ति पार्टी को और भी मजबूती प्रदान करेगा। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ।